हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in और आज हम करने वाले हैं आपकी हिस्ट्री बुक से चैप्टर नंबर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर के एमसीक्यूज। तो चलिए भाई एमसीक्यू की जर्नी पे चलते हैं। एमसीक्यू की जर्नी पे जाने के लिए सबसे पहले evidyarthi.in पे जाइए एंड फिर आपको जाना है मेरे दोस्तों मेन मेन्यू पे। मेन मेन्यू पे जाने के बाद स्कूल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे के सारे क्लासेस मिल जाएंगे। तो हमें वही जाना है हिस्ट्री पे। चलिए हिस्ट्री पे चलते हैं। हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं, हिस्ट्री क्लास 8 के सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी इस पे क्लिक करके। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको हिस्ट्री की बुक, रिवीजन नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो एमसीक्यू पे क्लिक करिए। एमसीक्यू पे क्लिक करते ही हमें भाई हाउ व्हेन एंड वेयर पे पहुंचना है। कहा जा रही हमारी चरखा। तो हाउ व्हेन एंड वेयर पे पहुंच के हम लोग आ गए ये क्वेश्चन आंसर पे। इज इन दैट Easy. तो चलिए हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो लास्ट पहले टाइम पे क्या होता था, गवर्नर जनरल होते थे, गवर्नर जनरल को वाइसरॉय बोला जाता था। तो पहले हमारे पहले तो हमको पता है कि लॉर्ड कैनिंग थे पहले, लास्ट कौन से थे चलिए देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग थे, उसके बाद लॉर्ड रिपन आए थे, लॉर्ड वेल्सली आए थे, बहुत सारे आए थे। लास्ट जब हिंदुस्तान फ्री हो चुका था तब हमारे वाइसरॉय रह चुके हैं लॉर्ड माउंट बैटन। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। लॉर्ड माउंट बैटन पहले थे लॉर्ड कैनिंग और लास्ट थे लॉर्ड माउंट बैटन। अब यहाँ पे सेकंड वाला है भाई मिडीवल पीरियड वर्स। अब यहाँ पे आपको तो पता ही है कि जेम्स मिल ने तीन आई थिंक जेम्स मिल ने डिवाइड कर दिया था बहुत लोगों में। ठीक है, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश ऐसे करके डिवाइड भी करा था और पीरियड पे भी तीन थे। ठीक है, पीरियड कौन कौन से थे, एंशियंट मिडीवल एंड मॉडर्न। तो बेसिकली एंशियंट की बात करें तो वो तो रोमन एम्पायर के वक्त की बात है, तो एंशियंट के बारे में आपके चैप्टर में इतना है नहीं। मॉडर्न है और मिडीवल है। मॉडर्न पीरियड है जहां पे ग्रोथ डेवलपमेंट मॉडर्निटी डिग्निटी सब कुछ आ जाता है भाई, लिबर्टी लिबर्टी। और मॉडर्न के बाद मिडीवल पीरियड में आ जाता है जहां पे इन सारी चीजों का नामो निशान भी नहीं है, डेमोक्रेसी सबका नामो निशान भी नहीं है। तो ये हो गया आपका मिडीवल पीरियड। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शन है द ओल्ड पीरियड ऑफ हिस्ट्री, नहीं ओल्ड पीरियड ऑफ हिस्ट्री भी नहीं है, द पीरियड एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी। पहली बात तो मिडीवल पीरियड हमारा ओल्ड पीरियड ऑफ हिस्ट्री भी नहीं है और वहां पे मॉडर्निटी भी नहीं है, तो इनमें से कोई सा भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर दे रखा होता कि दैट काइंड ऑफ पीरियड वेयर मॉडर्निटी डजंट एग्जिस्ट तो वो मिडीवल पीरियड कहलाता। ठीक है, सो इसका होगा नन ऑफ दी अबव। अब आ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 पे। द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वेर इम्पोर्टेंट फॉर। ब्रिटिश को सर्वेज क्यों इम्पोर्टेंट लगते थे, किस लिए वो सर्वे को करते थे। सर्वे जो कर होता है ना, सर्वे करना एक जगह पे घूम घाम के देखना कि कैसे करके कौन सी चीज कहाँ पे चेंज करी जा सकती है, कौन सी चीज कहाँ पे क्या है। वो पहली बार इंडिया में आए थे तो इतना ज्यादा प्रभावित होगा कि इंडिया में कितनी सारी चीजें देखने के लिए, कितनी सारी चीजें इतनी इफेक्टिव लग रही है। तो जरा एक सर्वे एक चक्कर मार लेते हैं इंडिया का और जरा पता कर लेते हैं कि इंडिया में क्या क्या चीजें हैं, तो इसलिए सर्वे करे जाते थे। तो सर्वे क्यों इम्पोर्टेंट थे, हिस्ट्री राइट करने के लिए नहीं, वो तो वैसे भी कर देते हैं। इफेक्टिव जजमेंट के लिए अगर कोई डिसीजन लेना हो तो सर्वे करना पड़ता है, नहीं। सो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि कौन सी जगह पे कहाँ खेती करनी चाहिए, कहाँ पे फल उगाने चाहिए, कहाँ पे क्या क्या, उसलिए वो सर्वे कर लिया करते थे। सो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन विल बी द राइट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, बिकॉज ब्रिटिश जो थे वो डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व कर लेते हैं। जैसे आज के वक्त पे आपके मम्मी पापा बर्थ सर्टिफिकेट आधार कार्ड को कितना संभाल के रखते हैं भाई, पैसों से ज्यादा आज के वक्त पर डॉक्यूमेंट की वैल्यू है, आपको भी पता है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे ये बता रखा है कि ब्रिटिश प्रिजर्व क्यों करते थे, संभाल के क्यों रखते थे डॉक्यूमेंट को इतना। द प्रिजर्व डॉक्यूमेंट रिवील द प्रोग्रेस मेड बाय द कंट्री इन द पास्ट। यस, जो प्रिजर्व डॉक्यूमेंट होते थे वो हमें बताते थे कि भाई पहले के वक्त पे कितना ज्यादा उन्नति करी थी। अभी हम पता करते हैं तो भाई कितने ज्यादा इफेक्टिव आइडिया थे ब्रिटिशर्स के, इंडियन कैसे कैसे रहते थे, वो सब हमें डॉक्यूमेंट के थ्रू तो पता चलता है। तो हमें पास्ट की बातें बताते हैं डॉक्यूमेंट्स। वन कैन स्टडी द नोट एंड रिपोर्ट विच वेर प्रिपेयर्ड इन द पास्ट। यहाँ पे ये बोला गया है वन कैन स्टडी द रिपोर्ट, हम लोग रिपोर्ट को स्टडी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को स्टडी कर सकते हैं जो पास्ट में बने थे, इसलिए भी डॉक्यूमेंट काम आते हैं। देयर कॉपी में भी मेड एंड यूज इन मॉडर्न टाइम्स, मॉडर्न टाइम में उनकी कॉपी यूज हो सके, डॉक्यूमेंट की कॉपी बना के यूज हो सके, इसलिए भी डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली इसका ऑल ऑफ दी अबव होगा, डॉक्यूमेंट इन सारी चीजों में इंपॉर्टेंस ही रखते हैं।
फिर आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द सोर्सेज डू हिस्टोरियंस यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 इयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। कौन सा सोर्स ब्रिटिशर्स ने यूज करा था इंडियन हिस्ट्री को, 250 साल की इंडियन हिस्ट्री को लिखने के लिए? तो बेसिकली ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रेंच की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है, बेसिकली यहाँ पे ब्रिटिशर्स की बात हो रही है। आप देखिए यहाँ पे लिखा होगा कहाँ पे ब्रिटिशर्स ने यूज करी, तो ऑब्वियसली आपका चैप्टर पूरा ब्रिटिश के ऊपर ही, एक्चुअली पूरी हिस्ट्री की बुक ही ब्रिटिश के ऊपर है, यहाँ फ्रेंच तो आएगा ही नहीं। ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द चर्च एडमिनिस्ट्रेशन, चर्च भी नहीं आएगा, क्रिश्चियनिटी भी नहीं आएगा। ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, तो बेसिकली यहाँ पे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन विल बी दी राइट आंसर। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में आपको इंडिया की 250 साल की हिस्ट्री दर्ज मिलेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पीरियड ऑफ डिवीजन ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय जेम्स मिल। जैसे मैंने आपको बताया जेम्स मिल जो थे आपकी बुक के अंदर जो गिवन है, जेम्स मिल ने हमारे पीरियड को डिवाइड कर दिया था। तो किस किस चीजों में डिवाइड करा था? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड सिख, नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पीरियड ऑफ डिवीजन। हिंदू मुस्लिम तो था, हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करा था, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश में तो करा था, क्रिश्चियन और सिख का नामो निशान नहीं था। तो बेसिकली है क्रिश्चियन और सिख में नहीं करा था डिवाइड। दिस विल बी द राइट आंसर। भाई ये क्वेश्चन में जो नॉट लगा दिया जाता है ना, ये हमारा पूरा एक नंबर खा जाता है। जरा देख लीजिएगा, ये नॉट नहीं हो आपके क्वेश्चन में, अगर होगा तो आपको वो ढूंढना है जो नहीं है। ठीक है, सो हम आ जाते हैं भाई हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पे कोई नॉट महाराज जी बैठे हैं। विच इज नॉट द सोर्स ऑफ डिस्क्राइबिंग हिस्ट्री, इनमें से कौन सा सोर्स हिस्ट्री को डिस्क्राइब करने में मदद नहीं करता? डायरीज ऑफ पीपल, भाई लोगों की लिखा पढ़ी हम जब पढ़ते हैं, हम अपनी डायरी, समझ लीजिए मैंने 20 साल पहले अपनी डायरी लिखी, वो डायरी तो सेफ रहेगी, ठीक रहेगी, उसको कुछ खराबी नहीं आएगी। और आप अभी पढ़ूंगी तो काफी ज्यादा भाई रोमांचक लगेगी, बढ़िया लगेगी, मेरे काम आएगी। कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, लोगों की बातचीत ना ही रिकॉर्ड हो रही है ना ही कुछ हो रही है। अब मैंने कल मम्मी को बोला मम्मी सब्जी लेने चलते हैं, तो क्या ये 2-3 साल बाद मुझे याद रहेगी? नहीं रहेगी। लेकिन डायरी मुझे याद रहेगी, डायरी में लिखी हुई चीजें याद रहेगी, मैं वो पढ़ पाऊंगी। ठीक है, अकाउंट ऑफ पिलग्रिम एंड ट्रैवलर, अकाउंट भी लिखा हुआ ही रहता है। ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी भी लिखा ही हुआ है, तो जितना भी लिखा हुआ चीज है वो हमेशा काम आता है, कन्वर्सेशन काम नहीं आता है। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया केम अप इन द नेशनल आर्काइव्स। आर्काइव्स क्या होता है? आर्काइव्स वो होता है जहां पे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। म्यूजियम का एक नाम ले लीजिए, म्यूजियम को आर्काइव्स भी बोला जाता है, जहां पे लोगों के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, जहां पे आप जाकर उनको पढ़ सकते हैं और उनसे काफी ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली देखा जाए तो एक नेशनल आर्काइव पहला जो आया था वो था कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में 1891 के वक्त पे एक नेशनल आर्काइव खोला गया था। लेकिन अगर बात हो रही दिल्ली की, दिल्ली आपके जो चैप्टर में है तो दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली में एक आपका चैप्टर में ही एक पिक्चर होगा, वहां पे नेशनल आर्काइव की पिक्चर दे रखी है। सो आई थिंक यहीं पे है, जनपथ में या फिर इंदिरा गांधी सेंटर के पास ही है नेशनल आर्काइव न्यू दिल्ली का। तो ये भाई आ गया था 1920 में, इसको विराजा गया था भाई 1920 में, ये बना भी था और स्टार्ट हो गया था, पर्यटकों का सब कुछ स्टार्ट हो गया था 1920 में। नेशनल आर्काइव का इन्वेंशन हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। 1930 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 40 भी नहीं है, 1920 जैसे आपकी बुक में गिवन है। ठीक है, सो जैसे आप देख सकते हैं कि हमने सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके की स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप evidyarthi.in की वेबसाइट पे जाइए। हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से आपको सब कुछ वहां पे अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, सो MCQ क्वेश्चन पेपर, ई बुक, सब कुछ आपको वहां पे अवेलेबल मिलेगा। और हम फिर से मिलने वाले विद एन इंटरेस्टिंग चैप्टर और एन MCQ वीडियो। टिल देन अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।